अच्छा, मैं आपसे जो है रैपिड फायर वाले सवाल करूंगी कि आप दोनों से पूछूंगी लाइफ, आपकी लाइफ के हवाले से, आपकी पर्सनालिटीज के हवाले से. जैसे फॉर एग्जांपल, कौन सी एक ऐसी जगह है जहां जाने के लिए आप दोनों हर वक्त तैयार रहते हैं? ससुराल. रियली? ओहो ओहो, वाह वाह वाह, आप ससुराल जाने के लिए हर वक्त तैयार? मैं कभी नहीं जाता. मैं कभी नहीं. बहुत मुश्किल से. ये दमाद जी वाले? दमाद जी और रेड कार्पेट वाले? नहीं, रेड कार्पेट तो नहीं एक्सपेक्ट करते, लेकिन ये के जरा कम जाते हैं. अच्छा, तो खैर सारे पाकिस्तानी दमाद तो ऐसे ही होते हैं. बहुत कम ऐसे होते हैं जो हर वक्त तैयार रहते हैं. लेकिन सीरियसली, कहाँ जाने के लिए आप हर वक्त तैयार रहते हैं? आप अलग अलग बता दें. लाइक विद इन पाकिस्तान या आप वैसे पाकिस्तान या आप इस्लामाबाद जाने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं. हाँ? पर उसके लिए तैयारी की भी जरूरत नहीं पड़ती है. मैं बैग तैयार होती है, बैग तैयार होता है. वो तो आपकी जॉब है ना, उसके अलावा अगर मैं आपके दिल की बात, मुझे लगता है इस्लामाबाद बहुत पसंद भी है. हाँ? I love it. अच्छा? बहुत खूबसूरत जगह है, साफ सुथरी, ग्रीन, पीसफुल. आप लोगों का ताल्लुक पहले लाहौर से था या कराची में ही थे? कराची. बॉर्न एंड रेज्ड इन कराची. अच्छा, आप हर वक्त कहाँ जाने के लिए तैयार रहती हैं? टर्की. ओह, आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन टर्की है. ओके. अच्छा, कौन सा एक ऐसा खाना है, कोई पकवान ऐसा है जो आप हर वक्त खाने के लिए तैयार रहते हैं? डाइट भी हो तो बस उसको देख के दिल जो है वो चाहता है कि तोड़ दो डाइट. दोनों आपके तो बिरयानी. मेरे लिए बिरयानी, इनका नहारी है. ओह, वो देसी खाने. देसी खाने के शौकीन है आप लोग? देसी इंग्लिश. आई एम अ फूडी पर्सन, सो different kind of food मुझे पसंद है. Try भी करते हैं आप, experiment भी करते हैं खाने का, कोई नया बिल्कुल restaurant absolutely. मिल जाए तो उसमें जाना आना. इनको cooking करने का भी बहुत शौक है, सिर्फ खाने का ही शौक नहीं. He's a very good cook also. क्या बना के खिलाया इन्होंने, जरा बताइए. Chef. बाकी chef वाले cook हैं? स्टेक्स भी बनाते हैं, मतलब हर जो मूड हो बना लेते हैं. कभी स्पेगेटीज बना रहे होते हैं, कभी नारी. तो जब जो मूड हो, जब ये किचन में ये सब बनाना शुरू करते हैं तो क्या किचन से सबको बाहर निकाल देते हैं? जी, मैं तो अलाउड ही नहीं हूँ किचन में. आप अलाउड? मैं बिल्कुल अलाउड नहीं हूँ. और ये कैसे वाले कुक हैं, पूरा फैला देना सब, पूरा बिखेरा कर देना? शुरू में ज्यादा फैलाते थे, अब शायद थोड़ा कंट्रोल कर लिया. कौन कौन सी अपनी चीजें होते ना कि लाइक हर औरत को अपने मियाँ से ये शिकायत होती है कि ये तौलिया यहाँ फेंक देते हैं, जूते वहाँ उतार देते हैं. जब ये आते हैं घर में तो पता चल जाता है, कोहराम मच जाता है कि हाँ भाई घर का मालिक आ गया है. इनका शुमार क्या उस तरह के मर्दों में होता है? वैसे ही है. तो लाइक गवर्नर सिंह बनने के बाद कोई चेंजेस आई इनमें क्या? वो ये पुराने वाले ही हैं, थोड़ा और स्पॉइल हो गए हैं. अब इनको इनके पीछे कोई एक चाहिए होता है जो उनकी चीजें समेटता फिर है. तो आपकी ड्यूटी कुछ कम हुई थोड़ी? मेरी ड्यूटी अब कम हो गई, ऑब्वियसली देयर आर अदर पीपल टू टेक केयर ऑफ हिम, लेकिन फिर भी अब ज्यादा स्पॉइल हो गए. अच्छा, मैंने जब मिस्टर मिसेस जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनका जब मैंने इंटरव्यू किया था तो उनकी बेगम ने बताया कि जब वो प्रेसिडेंट बने तो उनकी बेगम उनसे 12 दिन नाराज रही थी. उनको डर लग रहा था कि लाइक आई डोंट नो, वो थोड़ा सा कॉन्शियस थी कि वो प्रेसिडेंट बन रहे. जब इनका आपको पता चला कि इनको सेलेक्ट किया गया है एज गवर्नर ऑफ सिंध, तो आपकी क्या फीलिंग्स थी एज वाइफ? आई वाज वेरी हैप्पी फॉर हिम, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है एंड ही रियली डिजर्व्ड इट. 22-23 इयर्स का स्ट्रगल मैंने खुद देखा है, जो कि तो डिजर्व तो करते थे कोई अच्छी पोजीशन. हाँ, मोर देन दैट. और लेकिन हाँ, साथ में थोड़ा डर खौफ भी था कि बहुत जिम्मेदारी है ऑब्वियसली. हाँ. आपको अल्लाह को भी जवाब देना है और लोगों को भी जवाब देना है. बिल्कुल बिल्कुल. और आपको आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी? आप सोच रहे थे कि मैं आपको एक वैसे बताऊं, जनरली हम जब हमारे स्ट्रगलिंग टाइम थे ना जी, तो खान साहब को ऑलवेज जब भी वो कराची आते थे या पूरे सिंध के दौरे में, आई यूज्ड टू ड्राइव हिम अराउंड. अच्छा. ऑलवेज इट वाज गिवन, सबको पता था गाड़ी इसने चलानी. हाँ. तो हम जब भी इधर से गुजरते थे ना गवर्नर उसके आगे से, तो मैं खान साहब से कहता था मजाक में, ऐसे कहता था खान साहब जब हुकूमत आएगी ना आपकी तो गवर्नर मुझे बनाएगी. अच्छा, हम कहते थे मस्ती मस्ती में. वैसे ही बस कहते थे. वो मुझे हमेशा कहते थे गवर्नर इज अ वेरी बोरिंग जॉब, उसके अंदर कोई काम करने के लिए इतनी जगह नहीं होती. तो फेडरल गवर्नमेंट में जब आएंगे तो तुम उधर आके काम करना है, वैसे कहते थे. फिर मैंने जब इलेक्शन हुए तो मैंने एमपीए का इलेक्शन लड़ा. अच्छा. तो जीत गया मैं. जब एमपीए का इलेक्शन जीत के मैं इस्लामाबाद गया, तो इधर तो सिंध में तो हम हार गए थे, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, बन रही थी, नजर आ रहा था. तो उन्होंने मुझे, खान साहब ने, मैं जैसे गया उन्होंने कहा तुमने क्या किया, तुम एमपीए का इलेक्शन क्यों लड़ा, तुमने एमएनए लड़ना चाहिए था. मैं कहा सर हो गया जो होना था, कुछ गलती हो गई मेरे से. उन्होंने कहा अच्छा कुछ करते हैं, देखते हैं तुम्हारा. अच्छा, क्या सोचा था आपने वैसे कि मैं क्या बनूंगा?
होता है ना, हर किसी का ख्वाब होता है कि मुझे ये करना है जिंदगी में, ये करना है. अगर आप लाइक यहाँ नहीं होते तो आपने क्या सोचा हुआ था बचपन से? अब्बा के साथ बिजनेस, बिजनेसमैन ही? बिजनेस तो हमारा अपना फैमिली का है जो चल रहा है पुश्तों से, लेकिन मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में बहुत था शुरू से. बहुत मुझे कॉलेज वगैरह से, कॉलेज के जमाने से ही आप एरोनॉटिकल इंजीनियर भी तो बनना चाहते थे. तो कॉलेज के जमाने से ही था मुझे काफी पॉलिटिकली इन्वॉल्व रहा मैं यूनियंस में और सारी चीजों. अच्छा, तो मुझे काफी झुकाव इस तरफ था पॉलिटिक्स की तरफ. घर में डांट तो नहीं पड़ती थी कि नहीं नहीं नहीं, नहीं चलो पढ़ाई पे तवज्जो दो, पॉलिटिक्स में नहीं जाओ? होता ना, माँ बाप होते हैं थोड़े कॉन्शियस. नहीं, जाहिर है वो तो एक जो आपके स्टडीज के टाइम होते हैं उसमें पेरेंट्स वांट यू टू फोकस ऑन योर स्टडीज, तो वो उस पर डिवेट होता था थोड़ा सा. लेकिन मुझे पॉलिटिक्स का था. फिर मैं जब खान साहब के साथ ज्वाइन किया सोशल वर्क में, तो मुझे लगा कि नहीं, ये दिस इज अ बेटर प्लेस, कि मुझे ये काम करना चाहिए सोशल वर्क. उसमें मैंने काफी उनके साथ काम किया. फिर जब तरीकन साहब बनी, तो जो इस वक्त हम बैठे थे, झंडा डिजाइन हो रहा था, पार्टी का नाम तय हो रहा था, आई वॉज अ वेरी यंग पर्सन देयर इन द रूम, प्रॉब्ली द यंगेस्ट वन. मैं खान साहब के साथ साथ रहता था. अच्छा. बड़ी एक्साइटमेंट थी मुझे कि पार्टी बन रही है, इसमें मैं साथ हूँ. अच्छा, जब खान साहब आते थे और आप उनको कराची में घुमाते थे, लेके जाते, कहाँ कहाँ गए उनको खाना खिलाने, समंदर वगैरह? मतलब लाइक होता है ना, कभी आप डिस्कशन करते हैं तो आपको पीस एनवायरनमेंट चाहिए होता है. मैं आपको बताऊँ कि जितना सिंध में इमरान खान ने टाइम गुजारा और घूमे ना गली गली के अंदर, शायद ही किसी सियासतदान ने इतना टाइम एक एक गली के अंदर, छोटे छोटे जलसे, छोटी छोटी गैदरिंग से मिलने के लिए 200 लोग जमा हो गए, 50 लोग जमा हो गए. एक टाइम तो लोग मजाक उड़ाते थे पीटीआई का कि एक आदमी की पार्टी है, इसमें कोई है नहीं, बच्चे बच्चे इसमें है, कुछ नहीं है, तुम लोग का फ्यूचर नहीं है. बट वी नेवर लॉस्ट होप, बिकॉज इमरान खान इज अ पर्सन जिसके पास अपने जात के से हट के वो सोचता है. पता है आपको, जब लाइक मैं जिसमें आपसे मिली थी, मैंने आपसे जिक्र किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने पहली दफा जिंदगी में हमने वोट दिया, तो हमने पीटीआई को दिया, हमने हिम्मत की लाइक यार चलो हम भी जाते हैं वोट देने. एक थोड़ी सी अंदर एक एनर्जी आई कि आप जाओ और नए लोगों को चांस दो, उनको मौका दो काम करने का. पहली दफा हम निकले घर से वोट देने और हमने पीटीआई को वोट दिया, और इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे, आपको फख्र होगा और आप दोबारा वोट पीटीआई को करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह. हाँ जी, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किस एक शख्स की फोन कॉल आ जाए घर में, तो सारे काम एक तरफ, वो तो फोन कॉल उठाने ही उठाने, आपसे भी इनके लिए पूछ, इनके लिए भी, आप अलग अलग बताए ना. इनके लिए तो मुझे, मतलब मुझे पूछने की जरूरत नहीं, मुझे पता है खान साहब की कॉल आएगी तो वो तो इन्होंने उठानी उठानी. आपके लिए मेरे लिए शायद इनकी कॉल आ जाए तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी. अच्छा, कितनी दफा कॉल करते हैं दिन में, ये पूछनी है? और ये क्या, बहुत कम कॉल करते हैं, मैं ही कर रही होती हूँ कॉल थोड़ी थोड़ी बात. और ये कितनी दफा कॉल उठा लेते हैं आपकी? अगर मीटिंग में होते तो नहीं उठाते, वरना अदरवाइज उठा लेते. उठा लेते तो आप वो वाली बेगम है पूछने के लिए, सुने आप पहुंच गए ऑफिस जाने, इतना नहीं, इतनी पोजेसिव. तो मैं जहाज में बैठते ही जैसे टेक ऑफ होता है ना, सिग्नल खत्म होते हैं, तो मैं इसके व्हाट्सएप पे लैंडेड लेके उसको छोड़ देता हूँ, बिकॉज मुझे पता है मैं लैंड करके भूल जाऊंगा. तो जैसे सिग्नल आते हैं मैसेज चला जाता है. कई बार ऐसा हुआ कि वी आर अबाउट टू लैंड और सिग्नल आ जाते हैं और वो मैसेज चला जाता है, तो उधर से फोन करना शुरू कर देती हूँ मुझे, अभी लैंड नहीं किया.